जेएनयू के बाद जामिया का नंबर, अब जामिया में स्क्रीनिंग पर बवाल, रोक के बावजूद क्यों नहीं रुक रहे छात्र। पहले दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र रोकने के बाद भी नहीं रुके, अब जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। वजह वही है, बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, जो छात्र विश्वविद्यालय कैंपस में करना चाहते हैं कि यहाँ भी इस डॉक्यूमेंट्री को छात्र देखें। यही वजह है कि जामिया यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की प्लानिंग कर रखी है। स्क्रीनिंग की तैयारी SFI छात्र संगठन ने कर रखी है, लेकिन अब हंगामे के कारण इसकी स्क्रीनिंग पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। स्क्रीनिंग को लेकर इससे पहले भी पर्चे बांटे गए थे। जामिया विश्वविद्यालय के बाहर स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं विश्वविद्यालय की ओर से भी कहा गया कि बिना इजाजत के कैंपस के अंदर छात्रों की बैठक या फिल्म की स्क्रीनिंग की कोई अनुमति नहीं दी गई है। वहीं इस स्क्रीनिंग के लिए छात्रों की ओर से कोई इजाजत नहीं ली गई है। 24 जनवरी को जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें 29 अगस्त 2022 के ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा गया है कि जामिया कैंपस के अंदर किसी भी स्टूडेंट की मीटिंग गैदरिंग की इजाजत नहीं है। यहां तक कि कैंपस के गेट पर भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। ऐसे में बिना परमिशन के कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकार डॉक्यूमेंट्री को देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मान रही है, तो जेएनयू के छात्र से देखने के लिए बेताब बैठे थे। इससे पहले 24 जनवरी को मंगलवार के दिन जेएनयू में रात 9 बजे स्क्रीनिंग का प्लान बनाया गया था। जेएनयू के सभी छात्र एक जगह धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे थे। जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन ने सारा प्लान बनाया था, लेकिन इस प्लान पर पानी फेर दिया था जेएनयू में हुए ब्लैकआउट ने। कैंपस में रात 8:30 बजे ही बिजली की बत्ती गुल हो गई। जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग न करवाने के आदेश जारी किए गए थे। प्रशासन की सख्त हिदायत थी कि आदेश के बाद भी अगर किसी ने स्क्रीनिंग हुई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैंपस में हुए ब्लैकआउट ने थोड़ी देर तो छात्रों को रोक लिया था, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस जमाने में छात्र कहां मानने वाले थे। उन्होंने अपने अपने लैपटॉप निकाले और इस डॉक्यूमेंट्री को स्ट्रीम कर लिया, स्पीकर की व्यवस्था कर ली और लैपटॉप पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। इस दौरान बवाल की खबर भी सामने आई थी। बताया जा रहा था कि छात्रों के दूसरे गुट ने स्क्रीनिंग कर रहे छात्रों पर पत्थरबाजी भी की है। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया था। दोनों गुटों के बीच नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। अब जामिया में सारा हंगामा बरपा हुआ है और यहाँ छात्र बीबीसी की मोदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि इस समय पूरे देश में गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।